एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, जो कि 20 चैप्टर है क्लास 11th का, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये चैप्टर आ रहा है। इसमें जॉइंट्स जो हैं वो बच्चों को टफ लगते हैं, तो चलिए देखते हैं आज अच्छे से ये जॉइंट्स क्या हैं, किस जगह पे कैसा जॉइंट जो है कोई बोन बना रही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द जॉइंट्स, दैट इज फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड साइनोवियल जॉइंट। तो फर्स्ट, ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, और इनको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपको ये लाइंस दिख रही है ना, दीज आर नोन एज अ सुचर्स। तो यहाँ पे ये जो हार्ड का आपको जॉइंट दिख रहा होगा ब्रेन में, जो सुचर्स बना रहे हैं हमारे, दैट इज नोन एज अ फाइब्रस जॉइंट। और फाइब्रस जॉइंट जो है वो इमूवेबल होते हैं, यानी यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, देयर इज नो मूवमेंट, और इस चीज को हम बोलते हैं थिन आर्थरोसिस। थिन आर्थरोसिस इज द नेम व्हेन देयर इज नो मूवमेंट बाय द फाइब्रस जॉइंट, एंड फाइब्रस जॉइंट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है इस डायग्राम के लिए। सेकंड डायग्राम है कार्टिलेजिस जॉइंट। कार्टिलेज का जो जॉइंट होता है, जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, हम बोल सकते हैं दैट इज एम्फी, इस चीज को बोलते हैं एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस का मतलब है जहाँ पे स्मॉल मूवमेंट देखने को मिले, मतलब जब आप वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे के बीच में जो है कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे जो कार्टिलेज है व्हाइट कार्टिलेज वो प्रेजेंट होता है, तो वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नहीं तो हमारी जो बैकबोन है वो तो बिल्कुल स्टिफ हो जाए अगर ये कार्टिलेज ना हो तो। इसके अलावा जो हमारे रिब्स हैं वहाँ पे भी आप कोस्टल कार्टिलेज जो है वो देखते हैं, तो कार्टिलेजियस जॉइंट आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है बताते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ एम्फी आर्थरोसिस। लास्ट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आपका अलग अलग टाइप्स में हमने उसको डिवाइड करा है, वो फ्रीली मूवेबल होता है, और उसको हम बोलते हैं डाई आर्थरोसिस। और ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये आपको अलग अलग कैटेगरी में, यानी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट आपको साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलेगा, आपको हिन जॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट मेनली जो आपको पढ़ने हैं 11th क्लास को, और वो हैं आपके फाइब्रस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, आपके कार्टिलेज से जॉइंट जो बनते हैं दैट इज इन द रिब्स, ठीक है, जिसको आप कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो बिटवीन द वर्टिब्रे आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिब्स के अंदर लंग्स है, तो लंग्स में आप वॉल्यूम एयर का इंक्रीज करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कभी वॉल्यूम जो है कम करते हैं, तो इसका मतलब रिब्स को भी थोड़ा बहुत मूव करना है लंग्स के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब एम्फी आर्थरोसिस वो शो करेंगे। साइनोवियल जॉइंट जिसमें फ्रीली मूवमेंट है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जो कि ह्यूमरस यहाँ पे बना भी है, ये आपका स्कैपुला है, दैट इज ट्राइंगुलर बोन, उसकी जो ग्लिनॉइड कैविटी है यहाँ पे, उसके साथ हमारी ये जो ह्यूमरस वाली बोन है ये बना रही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इन सब एग्जांपल्स को हम अच्छे से देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, दैट इज ग्लाइड, ये यहाँ पे साइनोवल जॉइंट की टाइप में सबसे पहला यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट इस तरह का जॉइंट होता है, एक बोन ऐसी है वो दूसरे के ऊपर, जैसे आप अपने हैंड के ऊपर हैंड रख के उसको आगे पीछे दाएं बाएं की तरफ मोड़ना हो, आपने आगे पीछे करना हो इस तरह से, और दाएं बाएं आपने मूवमेंट करनी हो, वो मूवमेंट आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट बनाती है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपको इंटर कार्पल, इंटर टार्सल्स के बीच में देखने को मिलेगी, जहां आपके कार्पल्स होते हैं ना, हाथ के कार्पल्स, आपके हाथों के कार्पल्स और पाँव में जो टार्सल्स हैं उनके बीचों बीच, इंटर कार्पल इसीलिए इसका नाम है, और इसका नाम है इंटर टार्सल, तो उनके बीच में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्रोमियन प्रोसेस होती है ना, आपके शोल्डर जो स्कैपुला बोन है वो ऊपर से आगे से एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू कॉलर बोन में आर्टिकुलेट हो जाती है, इट आर्टिकुलेट इन द फॉर्म ऑफ कॉलर बोन। तो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविक्यूलर बोन, कॉलर बोन को क्लैविकल भी बोलते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में एक्रोमियन क्लैविक्यूलर, यहाँ पे नाम लिखा है पूरा,
दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके अलावा स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में भी, यानी स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट आपको ग्लाइडिंग ज्वाइंट देखने को मिलेगा, इंटर कार्पल इंटर टार्सल्स में, वर्टिब्रे और कॉस्टल्स के बीच में। मैंने कहा था ना पीछे से हमारी जो बैकबोन है, जो हमारे वर्टिब्रे हैं, और आगे की तरफ देखें तो हमारे पास स्टर्नम है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरह से रिब्स होते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी वर्टिब्रो कोस्टल ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा, यानी रिब्स और वर्टिब्रे के बीच में। एंड दिस नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको इतनी सी एग्जाम्पल्स लर्न रखनी है 11th क्लास के। नेक्स्ट हिंज ज्वाइंट जो है, हिंज आपका ज्वाइंट इस तरीके का होता है, ठीक है, जैसे दरवाजा, आप डोर जो है, डोर की बात करें या विंडो की बात करें, तो एक साइड पे आप उसको ओपन अप करते हैं, पूरा 360 पे रोटेट नहीं करते हैं। जब आप अपनी एल्बो को अंदर की तरफ मूव करते हैं, यू वॉन्ट टू लिफ्ट समथिंग, आप किसी चीज को पिक करते हैं, और पिक करके आपने जैसे खाना अपनी थाली से उठाया, आप उसको मुंह में डालना चाहते हैं, तो आप उस तरह की अंदर की तरफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ योर आर्म, यू डू दैट विद द हेल्प ऑफ एल्बो। और इसी तरह से नी, नी को आप बेंड करते हैं रनिंग के लिए, वॉक करने के लिए, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप नहीं करते उसको, पीछे की तरफ आप उसको बेंड करते हैं, और आगे की तरफ फिर आप वॉक करने की कोशिश करते हैं, आप उसको बेंड करते हैं। दैट ऑल्सो कंटेन जो है हिंज ज्वाइंट है, एंकल में आपके पास हिंज ज्वाइंट है, और आपकी फिंगर्स के बीच में, जब आप अपनी फिंगर्स को लेते हैं, हाथ की मुट्ठी को आप बंद करना चाहते हैं, तो आप उसको बंद करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिंज ज्वाइंट। उसी तरह से पैरों की जो उंगलियां हैं, उनको आप नीचे की तरफ आराम से टिल्ट करते हैं, मोड़ते हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हिंज ज्वाइंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हिंज ज्वाइंट, इसीलिए लिखा है फेलेंजेस यहाँ पे, यानी फिंगर्स। या पाओं की बात करें तो जो आपके टोज हैं उनके बीच में भी आपको हिंज ज्वाइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वन साइड जैसे ओपनिंग होती है ना डोर की, उसी तरह से ये सब भी एक साइड पे अंदर की तरफ कहीं बंद हो रहे होंगे, जैसे हाथ की मुट्ठी बंद होती है, एल्बो भी एक तरफ आपको अंदर की तरफ बॉडी की तरफ मुड़ते हुए दिखती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाइवोट ज्वाइंट, जो कि एटलस और एक्सिस के बीच में है, और ये जो एक्सिस है इसकी जो बोन है वो एटलस के बीचों बीच होके जा रही है, इस तरीके से कि कोई नीचे वाली ये जो लोअर बोन है सेकंड वाली, उसकी एक जो प्रोसेस है, या बोल सकते हैं वो जो बोन है वो बीचों बीच फर्स्ट वाले के बीचों बीच से निकल रही है। दैट टाइम काइंड ऑफ बोन, ये हमारी सेकंड वाली बोन है, इसकी जो एक प्रोसेस है वो फर्स्ट वाली के सेंटर से होके जा रही है, दिस इज द फर्स्ट वन, और ये सेकंड वाली की जो बोन थी, जो प्रोसेस थी, वो फर्स्ट वाले के बीचों बीच होके जा रही थी। तो इट इज बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जो पाइवोट ज्वाइंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप तो एक एग्जाम्पल याद रख लेंगे, काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सैडल ज्वाइंट। सैडल के लिए सिंपल सा आपको थंब याद रखना है, जो आपका थंब है वो किस तरह से फ्री मूव करता है, कईयों में तो अच्छे से थंब जो है वो पूरे तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाता है, पीछे की तरफ वो अच्छे से मोड़ लेते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट किस तरह से फ्रीली मूव करता है, आगे की तरफ पीछे की तरफ दोनों साइड में किसी के मूव करता है, तो दैट इज प्रेजेंट इन द थंब। यहाँ पे आपको थंब याद रखना है, आपके थंब में सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। लास्ट और सबसे इजी है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कि कोई बॉल टाइप स्ट्रक्चर है जो किसी सॉकेट के अंदर फिट हो चुकी है, ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट आपका कहाँ है, शोल्डर में, जो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर आपकी फिट हो जाती है, कौन सी, आर्म की बोन, जिसको ह्यूमरस बोन कहते हैं, ये फिट हो गई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन सा बना रहे हैं, शोल्डर का ज्वाइंट, जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं, दिस इज पेक्टोरल गर्डल के अंदर ये प्रेजेंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके अलावा जो हमारी हिप है वहां पे भी हमारे पास एक डिप्रेशन है, दैट इज एसिटेबुलम, और उस डिप्रेशन के अंदर जो हमारी लेग की बोन है, सबसे लॉन्ग बोन हमारी बॉडी की, दैट इज फीमर, वो यहाँ पे फिट हो जाती है बाय मेकिंग बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो यहाँ पे स्कैपुला, ये देखिए शोल्डर की बोन है, ग्लिनॉइड कैविटी है शोल्डर में, ये स्कैपुला बोन में, उसके अंदर ये ह्यूमरस जो है वो फिट हो गई, और अगर नीचे लेग की बात करें, हिप की बात करें, तो जो एसिटाबुलम कैविटी है हमारी, उसके अंदर ये जो फीमर है ये फिट हो जाती है, लेग की बोन है ये, तो ये दोनों जगह जो है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखने को मिलेगा। तो दीज आर
साइनोवियल ज्वाइंट, ये सारे साइनोवियल ज्वाइंट थे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू बच्चे।